हेलो वियर्स वेलकम टू नोक टी वी आई एम गोइंग टू टीच यू आर नेक्स्ट वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल बट वेरी कम्प्रिहेंसिव पोएम ऑफ अलिजबथ सियल एजब सियोल वॉज बॉर्न इन इंडिया इन नाइनटीन नाइनटीन उन्नीस सौ उन्नीस में ये इंडिया में पैदा हुई उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश कंपनी की गवर्नमेंट थी और वो ब्रिटिश कंपनी की गवर्नमेंट जो थी वो वोज पर थी इंडिया पे ब्रिटिश छाए हुए थे ये वहीं पैदा हुई फिर ये टू जीरो जीरो वन दो हज़ार एक में ये यूएसए में फौत हुई तो शी वाज ब्रिटिश अमेरिकन क्रिटिक पोइटिस एंड नावलिस्ट ये पोएम एक छोटी सी है देखें इसका वॉल्यूम बहुत छोटा है लेकिन इसके मीनिंग बहुत बड़े हैं तो अस मूव टू वर्ड्स अ पोएम दैट इज़ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस रेजोल्यूशन होते हैं जो थिंकिंग्स एक नया साल शुरू होने वाला है और वो लड़की जो है लिस्बत है वो सोचती है कि मैं इस साल ये काम करूँगी ये अच्छे काम करूँगी ये बुरे काम नहीं करूँगी वो अपना एक असेसमेंट करती है अपना एक सेल्फ असेसमेंट करती है अपना एक कैथारसिस करती है अपने आप को प्योरीफाई करना चाहती है शी वांट्स टू प्योरीफाई हर सेल्फ़ अपना अपनी सफ़ाई करना चाहती है दिल की सफाई करना चाहती है और वो एक अच्छा इंसान बनना चाहती है तो इसी तरह हर मज़हब के कुछ दिन होते हैं जब वो फैसला करते हैं कब हमने गलत काम नहीं करने हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है तो अलिसबत सियोल जो है वो भी ऐसा ही सोचती है नया साल शुरू हुआ है हमारा इस्लामी साल शुरू होता है उनका उनका भी क्रिश्चन शुरू होता है तो उसमें कुछ फैसले करती है कुछ अपने आप अपने आप से कुछ वादे करती है प्रोमिस करती है अपने आप से कुछ कुछ थिंकिंग सोचती है कि मैं ये करूँगी इस सारे वादों को इस सारे जो ख्यालात हैं उसके हैं इस उस सारों को रेजोल्यूशन कहते हैं रेजोल्यूशन मीन टू थिंक अबाउट वन सेल्फ कि मैं ये करूँगी पक्का इरादा करना मुसम इरादा करना डिटर्मिनेशन करना एक जिसे कहते ना कि डिटर्मिनेशन करना कि मैं अब मैंने ये काम नहीं करने जो मर्जी हो जाए क्योंकि जिस सोसाइटी में ये रह रही है वहाँ शराब जो खुलेआम है तो वो कहती है कि मैंने शराब भी नहीं पीनी क्यों वजह क्या है कि शराब के नशे में इश्क के नशे में किसी भी चीज़ का नशा हो वो अच्छा नहीं है वो वो बुरा है तो यही वो कह रही है कि मैं अपने आप को मैंने सारी चीज़ों से मैंने रोक लेना है मैंने बाज रखना है मैंने अब कुछ नहीं करना मैंने वो काम करना है जिसके लिए मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया गया है तो हम देखते हैं इस पोइम में क्या है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन नए साल के इरादे नए साल का मसम्म इरादा उसने रेवोल्यूशन लगाया है मेरे क्या क्या इरादे हैं मेरे क्या क्या ख्याल हैं वट डू आई वॉन्ट टू डू इन इन माई न्यू ईयर नए साल में मैं क्या करना चाहती हूँ सबसे पहले कहती है आई विल ड्रेन मैं ड्रेन कर दूँगी ड्रेन कहते हैं सीवरेज को गलत गंदा पानी जहाँ से जाता है अच्छे वाला नहीं साफ पानी की बात नहीं कर रहा आई विल ड्रेन मैं ड्रेन कर दूँगी निकाल दूँगी देखें विल गया है आई के साथ फ्यूचर टेंस है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और देखें जनरल सेंस में हम क्या करते हैं आई और वी के साथ शैल लगाते हैं बाकी सब नौन प्रो नौन के साथ हम विल लगाते हैं सब के साथ लेकिन जब हमने अपनी बात पे स्ट्रेस देना हो अपनी बात को पक्का करना हो अपनी बाप को, बात को एक मुसम इरादा बनाना हो फिर हम इसका अपोजिट कर देते होते हैं जहाँ शैल है वहाँ विल लगाते हैं जहाँ विल है वहाँ शैल लगाते हैं तो ऐसे ही इसने किया है आई के साथ शेल लगना चाहिए था उसने विल लगा के इस बात की वेरीफ़ाई किया स्टैम्प्ट कर दिया है कि मैंने सोच लिया अब मेरा पक्का इरादा है कि मैं ड्रेन आउट कर दूंगी क्या ड्रेन आउट ड्रेन आउट कर दूंगी आगे आ रही है बात अपने दिल से फरसुदा ख्याल निकाल दूंगी अपने दिल से गलत नज़रियात निकाल दूंगी अपने दिल में जो सोचें उठती हैं शैतानी सोचें हैं शैतानी वलवलें हैं और मैं सारे अपने दिल से निकाल दूंगी फरसुदा ख्याल निकाल दूंगी मैं अपने दिल को पाक साफ कर लूँगी आई विल ड्रेन मैं निकाल दूँगी खर्च कर दूँगी कैसे निकालेगी लॉन्ग ड्रॉट ऑफ क्वाइट क्वाइट कहते हैं खामोशी को चुप मम साइलेंस ऑफ पोजेसन के लिए आया है ड्रॉट कहते हैं घूंट को सिप जो पानी का घूटा पीते हैं ना उसको उस ड्रॉट कहते हैं सिप कहते हैं लॉन्ग लंबे, लंबे घूंट जो है ना खामोशी के वो मैं पी जाऊँगी वो मैं ड्रॉट होगा ये कहा उसने खामोशी के लंबे घूंट जो है ना वो मैं क्या करूँगी उनको निकाल दूँगी कहने का ये मतलब है कि मेरे दिल में जो 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 ख़्याल हैं फरसुदा के मुझे वो बुरे लगेंगे मुझसे निकलेंगे नहीं वो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अपने आप को प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है कहती लेकिन मैं ये काम करूँगी और दूसरी बात यह है कि मैं ज़्यादा बोलती थी या मैं ज़्यादा मेरी जुबान से किसी को तकलीफ़ पहुँचती थी मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँचती थी अब मैं वो वो ख़त्म कर दूंगी जिसे हम कहते हैं ना कि खामोशी के, के गूट पीना पीने से हम ये नहीं कि उसको प्यास लगी थी पीना मतलब उसको ड्रेन आउट करना ये पहले आ गया है कि मैं अपने खामोशी इख्तियार करूंगी साइलेंस इस्तेमाल करूंगी साइलेंस यूज़ करूंगी अब मैं ज़्यादा जो है ना बुड़बुड़ बुड़ नहीं करूँगी बिला वजह नहीं बोलूँगी और मेरी हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और ये हर मज़हब में ही है बुरी बात बुरी ही होती है इस्लाम में भी ये है ना कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे सेम वो कहना चाह रही है कि मैं जो खामोशी है उसको इख्तियार करूँगी जैसे भी करूँगी उस उस गूंट को उस सब्र के गूट को मैं पी लूँगी और पीने का मतलब है पीने का मतलब ये नहीं ग्लास की तरह पिएगी पीने का मतलब उसको ख़त्म कर देगी फिनिश कर देगी ड्रेन कर देगी ये उसने पहले बता दिया है ऐसा क्यों करेगी एज़ अ प्योरीगेशन प्योरीगेशन के तौर पे प्योरगेशन कहते हैं टू प्योरीफाई वन सेल्फ़ अपने आप को साफ सुथरा करना अपने आप से गंद निकाल के कचरा निकाल के साफ करना प्योरीगेशन इसको दूसरा लफ्ज़ कैथारसिस भी है कैथारसिस कि अपने जो है ना दुखों का मदावा करना मैं अल्लाह ताला से फरियाद करूंगी कि मैं अपनी गलतियों को माफ़ी मांगूंगी और मैं इस तरह प्योरीफाई कर लूँगी अपने आप को तो ये पहला स्टैंड में यही बताया गया है कि मैं जो है ना अपनी खामोशी उसको मैं अडोप्ट करने की कोशिश करूँगी और मैं बिला वजह मेरी जबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और ये काम है तो मुश्किल कहती लेकिन मैं करूँगी प्योरीफिकेशन के लिए मैं अपनी प्योरीफिकेशन के लिए अपने आप को साफ करने के लिए अपने आप को पाक करने के लिए अपने अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होना मैंने इसलिए मैं अपने आप को पाक साफ करूँगी नेक्स्ट रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम कितनी अच्छी बात है यही तो हमारा है हमारे इस्लाम में भी हमारे मुसलमान भी यही सोचते हैं अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया लेकिन उसने कहा है कि मैं सोच रिमेंबर मैं याद करूंगी याद एक दफ़ा नहीं करूंगी ट्वाइस डेली दो दफ़ा दिन में याद करूंगी ये उसने दो दफ़ा कह के अपनी बात को परफेक्ट किया है स्टैम्प्ट किया है कि मैं दो दफ़ा दिन में सोचूँगी बैठ के रिमेंबर का मतलब यहाँ आई विल थिंक मैं सोचूँगी बैठ के दो दफ़ा दिन में क्या सोचूंगी हुआ आई एम कि मैं कौन हूँ वट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ माई लाइफ इन द वर्ल्ड दुनिया में मेरी आने का मकसद क्या है मैं क्या हूँ मुझसे अल्लाह क्या डिमांड करते हैं मुझसे मेरा मह्ब क्या डिमांड करता है जिस तरह इस्लाम में है ना अल्लाह ताला कहते हैं व मा जिन्ना वल इंसा इल्ला आबदून ये हमारा मकसद है उसने का मेरा भी एक मकसद है मैं भी उसका सोचूँगी कि वो मेरा मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है क्या मैं उस ज़िंदगी के मकसद को फुलफ़िल कर रही हूँ क्या मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं जो 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 मेरे अल्लाह ने या जो में जो मेरे मजहब ने मुझे फरीज़ा दिया है मुझे जो फ़र्ज सौंपा है कि तुमने दुनिया में जाके ये करना है क्या वो मैं कर रही हूँ ये पहचानना होता है हु आई एम मैं आई विल ट्राई टू रिकोगोगनाइज़ माई सेल्फ आई विल ट्राई टू नो माई सेल्फ कि हु आई एम मैं कौन हूँ मैं अपने आप को पहचानूँगी चूंकि आपने पहले भी पोइम में पढ़ा है जो अपने आप को पहचानने का मतलब होता है कि जो अपने आप को पहचान खुदा तला तक पहुँचना होता है खुदा ताली को पहचानना होता है तो जब मैं अपने आप को पहचान लूँगी मेरे अंदर से बुराइयाँ फरसदा ख़्यालत गलत नज़रिया सब फर हो जाएंगे निकल जाएंगे वो पहले कह चुकी मैं पी जाऊँगी उनको नेक्स्ट विल लाई ओवर नाइट वो ओ है ओवर की पूरी रात मैं लेटूँगी देखें जो अल्लाह ताली के करीब होते हैं द पर्सन हु वान टू प्योरीफाई वन सेल्फ हु वान टू कैथार्स वो क्या करते हैं वो रातों को ही करते हैं चूँकि रात को अल्लाह ताला की रहमत पुकार पुकार कर बुलाती है कि है कोई रहमत तलब करने वाला ऐसा तो ही कुछ ये सोच रही है कहती है, मैं भी रात को जागूंगी। अल्लाह के नबी अल्लाह के वली रातों को जाग कर अल्लाह का क़ुरब हासिल करते हैं सेम चीज़ वो कह रही है कि विल लाई ओवर नाइट मैं पूरी रात लेटूँगी लेटने का मतलब सोना नहीं है बस खाली लेटना और क्या करूँगी इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी रियलिटी तक रहें आगे ना जाएं आप बोनी आर्म ऑफ रियलिटीज़ रियलिटी जो होती है ना बेटे रियलिटी ट्रूथ वो हमेशा बिटर होती है बात याद रखें रियलिटी इज ऑलवेज बिटर ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर जो सच्चाई होती है सच्चाई तक पहुंचना होता है वो समझो आप कांटों से जा रहे हैं लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न जिंदगी कांटों की सेज है उन लोगों के लिए जो रियलिटी को पहचानते हैं जो रियलिटी को अडॉप्ट करते हैं कहती है मैं भी ऐसा करूंगी मैं बोनी आम कहते हैं मुश्किल वक्त बोनी हड्डियों को कहते हैं वैसे बोनी हार्म होता है परेशानी के हाथ दुख तक जो कहते हैं ना हार्ड हैंड जिसे हम कहते हैं कि तकलीफ़ें बर्दाश्त करना रियलिटी तक पहुंचने के लिए क्योंकि बंदा रियलिटी तक सच्चाई तक पहुंचने के लिए जब तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है तो फिर क्या होता है एंड बी कम्फर्टेड फिर वो कहती फिर मैं आरामदह हो जाऊँगी मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा आई विल बी सेटिसफाइड आफ्टर कैथारसिस मैं कैथारसिस के बाद मुतमिन हो जाऊँगी देखें यहाँ फिर देखें इन द बोनी आर्म ऑफ रियलिटी सच्चाई के हाथ हमेशा सख्त होते हैं सच्चा जो सच्चाई होती है रियलिटी होती है हकीकत होती है वो हमेशा तलख होती है आपको ये अच्छी तरह पता है रियास्त कपल वस्तु का जो शहजादा था आ, उसने क्या किया था सदारत उसका नाम था उसने जिसको गौतम बुद्ध बाद में मशहूर हुआ तो कपल वस्तु का शहज़ादा देखें अपनी शज़ादे वाली लाइफ छोड़कर क्या किया था रियलिटी को पहचानने निकला था और क्या किया उसको फिर बोनी आम से गुजरना पड़ा उसने बोनी आम को अपना अपना जो था ना वो मस्कन बनाया यानी कि परेशानियाँ दुखों तकलीफ़ों में वो गिर गया तो जब जब आदमी रियलिटी की तलाश में निकलता है तो बोनी आम का उसको फ़ेस करना पड़ते हैं बोनी आम्स मुश्किल उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तो कपल वस्तु जो का जो शहज़ादा था सदारत वो उसने भी ऐसे ही किया अपने वालद की जायदाद उनकी बादशाह छोड़कर जंगलों में निकल गया उसके बाद गौतम बुद्ध एक नया मजहब उसने जो था ना वो बुनियाद रखी इसी तरह आप दूसरी एग्ज़ाम्पल देखते हैं हज़रत सलमान फारसी जो थे देखें आतशकदा के मालक थे उसके फादर और वो जो था ना वहाँ का चौधरी था वहाँ का एक जो क्या मालिक था लेकिन क्या किया रियलिटी की खातर बोनी है बोनी आर्म्स को उसने गले लगाया उसने कहा आई विल गो टू रियलिटी मैं रियलिटी तक जाऊँगा और रियलिटी तक जाने के लिए ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक़ ही हैज़ टू फेस द हर्डल ही हैज़ टू फ़ेस द प्रॉब्लम्स डेंजर्स रिस्क उसने बर्दाश्त किए कहाँ कहाँ से होता हुआ बिकता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो यही इस पोइम का एक मैसेज है कि जब उसने एक नया साल शुरू हुआ है उसने अपने कुछ वादे किए हैं अपने साथ और वादों के लिए और मुसम्मम अरादों के लिए रेजोल्यूशन से अच्छा कोई लफ्ज़ नहीं है रेजोलूशन उसने मुसम्मम अरादे किए हैं कुछ और ये अरादे हैं इसका थीम क्या होगा अब थीम इसका यही है जो इसका ज़ाहर है जो पोइम है वही इसका थीम है तो थीम को देखते हैं शी रिपेंड्स ऑन हर प्रीवियस लाइफ वह अपनी जो सबका ज़िंदगी है ना उस पर पछताती है रिपेंट ऑन होता है पछताना एंड प्रोमिस और वादा करती है क्या वादा करती है टू मेक हर फ्यूचर लाइफ बेटर कि अपनी जो फ्यूचर लाइफ उसको बेटर बनाएगी बेहतर करेगी शी विल शो टॉलरेंस अब वह टॉलरेंस का मुजारा करेगी एंड पेशेंस और सब्र का मुजाह करेगी एंड ट्राई टू नो हर सेल्फ़ और अपने आप को जानने की कोशिश करेगी अब वो सब्र और शुक्र और अपने आप को जानने का जारा करेगी शी विल फेस द बोनी आम ऑफ रियलिटी वो सच्चाई और ट्रुथफुलनेस के जो बोनी आम हैं जो परेशानियाँ हैं उनका सामना करेगी एंड फील कंफर्ट और आराम फील करेगी सुकून मिलेगा उसको आफ्टर कैथारसिस एंड प्योरीगेशन कैथारसिस और प्योरीगेशन के बाद उसको कहता है सुकून मिलेगा चूँकि जब भी मुश्किल वक्त आता है इंसान पर वह अपने अल्लाह के आगे ही झुकता है यही उसने सोचा है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग